अजमल फाउंडेशन द्वारा आज आसाम के जमुना मुख में स्थानीय विधायक और पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिस्टर सिराजुद्दीन, मैनेजिंग ट्रस्टी अजमल फाउंडेशन की मौजूदगी में लगभग 1.5 करोड़ रुपए की राशि जरूरतमंदों को बांटी गई। अजमल फाउंडेशन द्वारा ये राशि उन अध्यापकों को दी गई है जिन्हें सरकारी सहायता नहीं दी गई। गरीबों और विधवाओं के लिए भी बड़ी राशि अजमल फाउंडेशन की तरफ से दान की गई है। अजमल फाउंडेशन के सदस्य नईम चौधरी ने बताया कि ऐतिहासिक सराहनीय कार्य इतिहास के पन्नों में हमेशा लिखे जाएंगे। अजमल फाउंडेशन ने जमुना मुख समूह के 175 परिवारों को 1,64,00,000 रुपए बांटे हैं। इसके अलावा गरीबी रेखा से नीचे के 25 व्यक्तियों को 2,00,000 रुपए से 50,00,000 रुपए की सहायता, 56 विकलांग व्यक्तियों को 24,000 रुपए एक मुश्त, कुल 13,44,000 रुपए की सहायता समेत बहुत से जरूरतमंदों को सहायता राशि प्रदान की गई। लाभार्थी मौलाना बदरुद्दीन अजमल, सिराजुद्दीन अजमल और अजमल फाउंडेशन के निदेशक डॉक्टर खुसरुल इस्लाम को उनकी वित्तीय सहायता के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में भी अजमल फाउंडेशन ने लोगों की खूब मदद की थी। नईम चौधरी ने यह भी बताया कि ऐसे हजारों महान कार्यों में शामिल अजमल फाउंडेशन पर हमें गर्व है। रब अजमल परिवार को हमेशा स्वस्थ रखे। संवाद सहयोगी आसाम, मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और एक साल के लिए एक साथ सिर्फ 1,000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल करें।